everyone, this is Akansha, and today we are going to deal with sitting arrangement, and not just the sitting arrangement, in fact with some advanced level. And what is that advanced level? Is advanced level mein hum karne kya wale hain? Hum yahan pe sirf aur sirf sitting arrangement nahi karenge, balki usse associated ek aur information ko simplify karenge. To chaliye koi surprise nahi rakhte hain, aate hain hamari sabse pehli slide ko. Okay, so this is the first slide. Yahan pe kya kaha gaya hai, ek baar aap इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को जरा ध्यान से पढ़िए और पहले डिसाइड कर लीजिए कि इस सिटिंग अरेंजमेंट में आपको करना क्या है. सो इट सेज देर आर टोटल नंबर ऑफ 12 वर्कर्स. ओके फाइन, दे आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 वर्कर्स इन ईच रो. फाइन, बेसिकली देर आर 12 मेंबर्स और वर्कर्स, दे आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 वर्कर्स इन ईच रो. ये लोग दो पैरेलल रोज में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और हर रोज में कितने, हर रो में कितने मेंबर हो रहे हैं? 6 मेंबर हो रहे हैं. ओके, लेट्स रीड द फर्दर इंस्ट्रक्शन. फर्दर इट सेज इन रो वन में आपके पास जो मेंबर्स हैं उसके बारे में आपको बताया गया है. लकीली एक तरीके का एडवांटेज है, एटलीस्ट हमें यह तो बता दिया गया कि रो वन में है कौन कौन. एंड द 6 मेंबर्स जो रो वन में है वो हैं पी क्यू आर एस टी एंड यू, मतलब पी से लेकर यू तक है. ओके, इससे एसोसिएटेड एक और जानकारी दी जा रही है, एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन. ये सारे के सारे लोग नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठे हैं. फाइन, फिर अगली इन्फॉर्मेशन आपको रो टू के कॉन्टेक्स्ट में दी जा रही है, और क्या बताया जा रहा है? रो टू में आपके पास ए बी सी डी ई एंड एफ, मतलब ये 6 लोग हैं आपके पास रो नंबर 2 में, बट दे ऑल आर फेसिंग टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन. मतलब ये जो रो 2 है ये किस डायरेक्शन में दिख रही है? साउथ की तरफ. ओके फाइन, अब इनके सिटिंग अरेंजमेंट का जो एक फॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है. क्या? इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन अ रो फेसेस अनदर मेंबर ऑफ द अदर रो. ओके, मतलब मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं. यहाँ पे इनका कहने का मतलब है रो वन और रो टू ये दोनों आमने सामने, मीन्स द मेंबर्स आर फेसिंग ईच अदर. इन्होंने एक दूसरे की तरफ पीठ नहीं करके रखा, इनफैक्ट दे आर फेसिंग ईच अदर. ओके, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन जो हमें देखने को ही मिलता है. ईच ऑफ देम अर्न्स डिफरेंट वेजेस ऑन डेली बेसिस. ओके, इनकी अलग अलग वेजेस, मतलब अलग अलग डेली बेसिस के रेस्पेक्ट में एक इनकम दिया गया, इनकी अर्निंग बताई गई है. क्या है? डॉलर 21, 35, 49, 51, 53, 70, 75, 79, 81, 83, 85, 89. And the standard instruction which says but not necessarily in the same order. Basically आपके पास 12 figure निकल के आ गई है. ये ख़त्म हो गई आपके पास यहाँ पे introduction hint. अब यहाँ से शुरू होती है आपकी core hint. मेरा एक आपको suggestion है, इस सवाल को बहुत ध्यान से simplify करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी but little bit, ठीक है, थोड़ा सा complicated level है. By the way, आप अटेम्प्ट करोगे तो आप खुद ही इसके इफ्स एंड बट समझ जाओगे. लेट्स रीड. नो टू सक्सेसिव वर्कर्स आर सिटिंग टुगेदर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ये सेंटेंस या ये इंस्ट्रक्शन आपने पहले भी कई बार फेस किया हुआ है. ओके, बट इन एनी वेज जब भी कभी आपको सवाल मिलेगा ना, तो वो इस बात का, इस पर्टिकुलर बात जो कही जा रही है इसका मतलब भी समझाया जाएगा. जैसे आगे आप देखो क्या कहा गया. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप, ए डज नॉट सिट विद बी. आपको पता है इस लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? इफ़ आई एम सेइंग दैट ए डज नॉट सिट विद बी, इसका मतलब ये होता है, सॉरी, इसका मतलब ये है कि ये जो ए और बी हैं ये दोनों अगल बगल में नहीं बैठेंगे. दूसरी भाषा में बोला जाए, इमीडिएट नेबर नहीं होंगे. डज नॉट सिट विद बी कहने का मतलब कि ये दोनों पड़ोसी नहीं हो सकते हैं. पड़ोसी का मतलब क्या हुआ? ना दाएं में आना है ना बाएं में आना है. आगे सिमिलरली आपको एक और एग्जाम्पल दिया गया, एंड सो ऑन. उसके बाद अब आपका शुरू हो रहा है मेन हिंट. क्या कह रही है? ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई. ए जो है ये ई के थर्ड लेफ्ट में बैठा है. मेरे ख्याल से आप अरेंजमेंट को इसी लाइन से शुरू कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट देन. ओके, बट इन एनी वेज अगर आपको लग रहा है शुरू करने लायक नहीं है तो आप अगले अपने मन की कोई अदर अगली हिंट को टारगेट कर सकते हैं. एंड नन ऑफ देम सिट्स ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन. इन दोनों में से, नन ऑफ देम मतलब ना ही ए और ना ही ई, ये दोनों में से कोई भी मेंबर एक्सट्रीम एंड्स पे, मतलब कॉर्नर्स पे बैठे हुआ नहीं है. ओके, अगली क्या कह रही है? इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसेस द पर्सन हु अर्न्स $89. ओके, ए का जो पड़ोसी है वो उस शख्स के सामने बैठा है जिसकी इनकम कितनी है? $89 है. देर इज वन पर्सन दैट सिट्स बिटवीन द वन हु अर्न्स
89 एंड यू, 89 जिसकी अर्निंग है और ये जो एक यू पर्सन है, इन दोनों के बीच में केवल एक मेंबर को अरेंज करना है, लेकिन कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है फिलहाल नहीं पता है। मैं आपको यहाँ पे हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग कहते हो कि आपको हिंदी में भी सवाल चाहिए, ओके तो मैं आपको यहाँ पर डिक्टेट करती चल रही हूँ और जो लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं वो पॉज कर सकते हैं और फिर सीधे वीडियो को तब प्ले करिएगा जब मैं बोर्ड की तरफ आ जाऊँगी, क्योंकि तभी मैं सिंप्लीफाई करूँगी, ओके। इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस टी, ई का जो पड़ोसी है वो टी के सामने है। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस एस, बी का जो पड़ोसी है वो एस के सामने है। इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेसेस द वन हु अर्न्स 51, आर का जो पड़ोसी है वो उस शख्स के सामने है जिसकी इनकम 51 है। देर आर टू पर्सन दैट सिट बिटवीन द वन हु अर्न्स 51 एंड द वन हु अर्न्स 81, जिसकी इनकम 51 है और जिसकी इनकम 81 है, इन दोनों के बीच में दो लोगों को अरेंज करना है। डी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू बी, बी के बगल में, एडजेसेंट मतलब बगल में, बगल में इन द सेंस कहने का मतलब तत्काल बगल भी हो जाता है, मतलब ना दाएं ना बाएं, मतलब ये जो डी और बी हैं दोनों पड़ोसी नहीं होंगे, ओके। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ ए अर्न्स 85, ए का कोई एक पड़ोसी उसकी इनकम 85 होगी, पता नहीं दाएं हैं या बाएं हैं, हमें नहीं पता। There are two person that sit between the one who earns 85 and the one who earns 79. ठीक है, 85 जिसकी इनकम होगी और जिसकी इनकम 79 है, इन दोनों के बीच में बैठने वाले लोग कितने हैं, दो हैं। द इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु अर्न्स 79 फेसेस द वन हु अर्न्स 83, 79 का जो पड़ोसी है वो उस शख्स के सामने बैठा है जिसकी इनकम 83 है। द वन हु अर्न्स 75 सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु अर्न्स 70, 70 के थर्ड राइट पे वो पर्सन है जिसकी इनकम 75 है। बल्कि एक चीज़ और बताई गई है, एक ही इनकम 75 नहीं होगी। द वन हु अर्न्स 53 सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु अर्न्स 79, जिसकी इनकम 53 है वो 79 वाले के इमीडिएट राइट में बैठेगा। द इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु अर्न्स 53 डज नॉट अर्न 49, 53 का जो पड़ोसी है उसकी इनकम 49 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ए डज नॉट अर्न 49, ए के रेस्पेक्ट में एक और जानकारी आई कि ए की इनकम 49 नहीं हो रही है। द वन हु अर्न्स 49 फेसेस द वन हु अर्न्स 35, ये जो 49 और 35 फिगर वाले पर्सन हैं ये दोनों आमने सामने बैठेंगे। देर इज अ गैप ऑफ वन पर्सन बिटवीन द वन हु अर्न्स 83 एंड 89, जिसकी इनकम 83 और जिसकी इनकम 89 है, इन दोनों के बीच में बैठने वाला पर्सन केवल एक होगा। एंड द लास्ट हिंट सेज एफ एंड सी आर नॉट इमीडिएट नेबर, ये जो एफ और सी हैं ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे। और आपको दी गई हिंट यहीं पे ख़त्म हो रही है, ओके। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ आंसर बना ही लिया होगा, ओके। चलिए फिर अब मेरी बारी है सिंप्लीफाई करने की, आते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं इस सवाल का सिंप्लीफिकेशन, ओके। सो मैंने यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन पैराग्राफ नहीं, मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ कोर हिंट प्रोवाइड करी है, ओके। आई गेस अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा तो आपने खुद जज किया होगा कि ये कितनी जल्दी या कितना देर में सॉल्व होने वाला सवाल है। चलिए अटेम्प्ट करते हैं। इनिशियली हमें क्या बताया गया था, रो वन में है और रो वन इस डायरेक्शन साउथ फेसिंग है और रो वन में मेंबर कौन कौन से, ए बी सी डी ई एफ, फाइन। ये आपकी रो टू है, ये रो वन है नॉर्थ फेसिंग और ये रो टू है साउथ फेसिंग। इसमें मेंबर कौन से, पी क्यू आर आर एस टी यू, ओके। हर लाइन में 6 मेंबर हो रहे हैं, ओके। चलिए हमें ये जो सबसे पहले वाला इंस्ट्रक्शन दिया गया है, नो टू सक्सेसिव वर्कर्स आर सिटिंग टुगेदर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये दो के दोनों जो सक्सेसिव लेटर्स वाले हैं ये अगल बगल में नहीं बैठेंगे, इस हिंट को हम रिप्रेजेंटेशन के तहत नहीं बनाएंगे बल्कि इसे हमें अपने दिमाग में स्टोर करके रखना पड़ेगा, ओके। आते हैं अगली हिंट की तरफ, जो हमारी बेसिक हिंट जहाँ से शुरू हो रही है, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट में ए है। चलो हमने ई को यहाँ अरेंज कर दिया, ई के थर्ड लेफ्ट, क्योंकि ये लोग साउथ को फेस कर रहे हैं, डायरेक्शन इज समथिंग लाइक दिस, ओके। इसके थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ई के थर्ड लेफ्ट में एफ है आपको, सॉरी ई के थर्ड लेफ्ट में एफ नहीं, ई के थर्ड लेफ्ट में ए है, ओके। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने ए को यहाँ अरेंज कर दिया। बट एट द सेम टाइम इससे एसोसिएटेड एक और जानकारी दी जा रही, बट नन ऑफ देम सिट्स ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, इन दोनों में से कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं है जो किनारे पे बैठा हुआ है, मतलब इन दोनों के साइड में कोई एक ना एक पर्सन आना है। एंड नाउ इसी एक इनिशियल लाइन की वजह से हमें इनका फॉर्मेशन, मतलब इनका जो सिटिंग का फॉर्मेट है वो पता चल गया। पहले हम फॉर्मेट को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन अब हम इस फॉर्मेट को लेकर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं,
आगे आपके इंफॉर्मेशन क्या कह रही, इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसेस द पर्सन हु अर्न्स 89. ओके, ए का जो इमीडिएट नेबर है, अब इमीडिएट नेबर तो ए का ये भी हो सकता है, ए का इमीडिएट नेबर तो ये भी हो सकता है, ए के इमीडिएट नेबर के सामने 89 वाली फिगर आपको प्लेस करनी है. एक काम करते हैं, क्योंकि जितना जैसे मैंने अभी तक जो इंस्ट्रक्शन पढ़ा है, उस इंस्ट्रक्शन को देख के एक चीज़ यहाँ पे ऑब्वियस हो रही है कि यहाँ पे थोड़ी सी हिंट की क्राइसिस जनरेट हो रही है. क्राइसिस किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, पर्सन के रेस्पेक्ट में तो बड़ा क्लियरली आपको पता है कि कौन सा नॉर्थ फेसिंग है, कौन सा साउथ फेसिंग है, लेकिन ये जो आपको 12 फिगर दी गई हैं, इन 12 फिगर्स में जब मैं इसको पढ़ रही थी तो आई नोटिस वन थिंग कि इन फिगर्स के बारे में एग्जैक्टली अगर आपको ये नहीं बताया गया कि किसका अर्निंग कितनी है, अगर ये नहीं पता चल रहा है तो ये भी नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा नॉर्थ फेसिंग है, कौन सा साउथ फेसिंग है. सो ये जो डिफरेंट वेजेस हैं, ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज जनरेट कर रहे हैं आपस में. सो आई गेस कि यहाँ पे इसी मोमेंट पे दो डायग्राम पे स्विच कर जाना एक बेटर ऑप्शन होगा. ओके, चलिए फिर स्विच कर जाते हैं हम लोग इसी मोमेंट में दो डायग्राम की तरफ. सो दिस कम्स ए टू स्पेस देन ए एंड दिस इज अनदर वन, दिस 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 दिस, हम लोग इसी मोमेंट पे दो डायग्राम पे स्विचिंग कर गए. ठीक है, अब आपको क्या कहा गया है, ए का जो पड़ोसी है वो 89 के सामने है. अब ए का जो पड़ोसी 89 के सामने, तो वो तो ये भी हो सकता है, ए का जो पड़ोसी है वो 89 के सामने है, तो इस हिसाब से हम 89 इससे भी कंसिडर कर सकते हैं. सो मैंने दोनों के लिए एक अलग अलग डायग्राम बना लिया. ओके, आगे देखते हैं, लेट्स सी हाउ डज इट एक्चुअली हेल्प्स अस. देयर इज वन पर्सन दैट सिट्स बिटवीन द वन हु अर्न्स 89 एंड यू. ओके, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 89 और यू के बीच में एक पर्सन को अरेंज करना है. अब देखो, फिर अगर मैं इसी मोमेंट पे जज करूँ ना, तो ये हिंट अपने आप में मुझे एक और पॉसिबल केस दे रही है. कौन सा, ये वाला, 89 और यू के बीच में एक पर्सन को रखना है. अरे यार, तो हम 89 और यू के बीच में एक पर्सन को यहाँ से भी रख सकते हैं, 89 और यू के बीच में एक पर्सन हम यहाँ से भी रख सकते हैं. सो क्या मैं इसमें अरेंज कर पाऊँगी? नहीं, इसमें हम अरेंज नहीं कर पाएंगे. लेकिन इस डायग्राम में 89 और यू के बीच में एक पर्सन, यहाँ पे हम यू को लेके कॉन्फिडेंट हो गए कि यू को यहीं ही आना है. ठीक है, यहाँ पे हम यू के अरेंजमेंट को लेकर श्योर हो गए कि 89 और यू के बीच में एक पर्सन को ऐसे ही प्लेस करना है. ओके, अगर हमने इस अरेंजमेंट को यहाँ पे जस्टिफाई किया, सो व्हाट अबाउट दिस वन, इसमें तो हम नहीं कर पा रहे हैं. सो आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन क्या, चाहो तो एक मार्क लगा के यू यहाँ लिख दो, एक मार्क लगा के यू यहाँ लिख दो, चाहो तो ऐसे कर सकते हो. ठीक है, या चाहो तो जैसे कि आप सिंबॉलिकली लिखते हो 89 oblic u, वन गैप u oblic 89, ये मतलब ही यही है कि 89 और u के बीच में एक पर्सन को अरेंज करना है. ठीक है, फिलहाल क्योंकि मैंने स्टार लगा के u के लिए दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर ली है, तो मैं इसको इस तरीके से नहीं लिखना चाहती हूँ, और वैसे भी थोड़ी सी जगह की क्राइसिस हो जाएगी वरना बोर्ड पे, इसलिए मैं अपना राइटिंग वर्क थोड़ा सा डिक्रीज करना चाहूंगी. ओके, अगली हिंट की तरफ आते हैं. उसके बाद आपको क्या कहा गया, इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस टी. ओके, ई का जो पड़ोसी है वो टी के सामने है, ई का जो पड़ोसी है वो टी के सामने है, ई का जो पड़ोसी है वो टी के सामने. अब एक चीज़ यहाँ पे जज करना, एक तो चीज़ निश्चित है कि इन दोनों में से कोई एक टी की पोजीशन है, बट आपको जो सबसे पहली लाइन कही गई थी, सक्सेसिव लेटर्स अगल बगल में नहीं आएंगे, पी क्यू आर एस टी यू, टी और यू ये दोनों आपके सक्सेसिव लेटर्स हैं. अगर ये सक्सेसिव लेटर्स हैं तो क्या ये दोनों अगल बगल में आ सकते हैं टी और यू? अब इसी नोट पे जो सबसे पहली लाइन आपको कही गई थी, आप शायद यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, नो टू सक्सेसिव वर्कर्स आर सिटिंग टुगेदर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ओके, नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हिंट आई कैन क्लियर आउट वन सिचुएशन दैट यू कांट बी एट दिस पोजिशन. हाउ डू आई क्लियर दैट, लेट्स सी इट वेरी केयरफुली. ओके, इन दोनों में से कोई ना कोई एक पोजीशन टी की जरूर होगी. अगर मैंने टी को यहां रखा या टी को यहां कंसिडर किया, किसी भी सिनेरियो में क्या मैं यू को यहां प्लेस कर पाऊंगी? अगर मैंने यू की प्लेसिंग यहां की, तो जो सबसे पहला पॉइंट मुझे कहा गया था, मैं उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूं. तो यहां पे क्लियर पता चल रहा है कि जो यू के लिए दो पॉसिबल केसेस हमने सोचे थे, एक्चुअल में वो दोनों वैलिड ही नहीं है. यू के लिए सिचुएशन एकदम क्लियर है कि यू को यहीं आना है फर्स्ट डायग्राम में, और यहाँ पे ये जरा टी को हटाते हैं. पर अर्लियर मैंने जो यू के लिए दो पॉसिबल केसेस रखे थे, अब वही मैं कंसिडर करना चाहूंगी टी के लिए. अब मेरा दिमाग कह रहा है कि यहाँ टी के लिए दो पॉसिबल केसेस जनरेट हो गए इस हिंट को पढ़ने के बाद.
ओके, अगले हिंट पढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा हाँ, इसी हिंट को जरा इसमें भी जस्टिफाई कर लेते हैं। ई का जो पड़ोसी है वो टी के सामने है। ओके, चेक दैट थिंग। अब इसी चीज को ध्यान से देखिए, ई का जो पड़ोसी है वो टी के सामने है, ई का जो पड़ोसी है वो टी के सामने है। तो इसके इस पॉसिबल केस के हिसाब से ये तो पता चल रहा है कि इनको तो टी होना नहीं है, क्योंकि अगर मैंने टी रखा तो फिर वही बात हो जाएगी कि टी और यू अगल बगल आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली यहां तो टी नहीं आना है, लेकिन इसके हिसाब से टी की पोजीशन क्लियर है। आपको पता है, अगर मेरे पास, मैं रियल एग्जामिनेशन में ये सवाल फेस कर रही होती, तो जैसा कि यहाँ पे इनका सिटिंग अरेंजमेंट बन रहा है ना, और मैंने जिस बेसिस पे दो पॉसिबिलिटीज बनाई हैं, एक कॉमन सेंस, एक इंट्यूशन आने वाली बात होती है ना, हमें तुरंत एक इंट्यूशन आने लगता है, अरे यार इसमें तो बड़ा इजीली अरेंज होता चला जा रहा है। कोई भी हिंट आ रही है, इसमें देखो यू के लिए दो केसेस बना, इसमें यू की पोजीशन डिफाइन थी, इसमें टी के लिए दो केसेस बना, इसमें टी की पोजीशन डिफाइन हो रही है। तो एक इंट्यूशन, एक बेसिक से इंट्यूशन जनरेट होता है कि कहता है इसी को सही होना होगा, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा बवाल क्रिएट करता जा रहा है, बल्कि ये बड़ा सिंपल एंड सॉर्टेड हो रहा है। बट यू नेवर नो, हम इंट्यूशन के हिसाब से रीजनिंग नहीं सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यू नेवर नो कि इनमें से सही कौन सा हो जाए, बट फिलहाल एक अभी इंट्यूशन कह रहा है कि यही सही होना चाहिए। लेट्स सी सही हो कौन सा रहा है, देखते हैं। अगली इंट आपको क्या कही गई है, इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस एस, बी का जो पड़ोसी है वो एस के सामने है। फिलहाल मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और इस हिंट को मैं कहीं बना भी नहीं सकती, तो मुझे इसको सिम्बॉलिकली लिखना होगा, बी का जो इमीडिएट नेबर है वो एस के सामने है। ओके, अगली हिंट टारगेट करते हैं। अगली हिंट क्या कह रही है, इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस एस। ओके, इसके साथ ही साथ आपके पास एक और हिंट आ रही है इसी से, इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेसेस द वन हु अर्न्स $51, और आर को अल्टीमेटली इसी लाइन में आना है। ओके, तो मैंने, जैसे मैंने इसमें बी को ऊपर रखा था, एस को नीचे रखा था, इस डायग्राम में मैं आर को नीचे प्लेस करूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आर को रो टू में ही आना है, मतलब नीचे वाली रो में आना है, ठीक है। आर का जो इमीडिएट नेबर है वो किसके सामने है, जिसकी इनकम 51 हो रही है, रिप्रेजेंटेशन आपका यही बन के आएगा। मैंने डबल टू पैरेलल लाइंस इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे राइट और लेफ्ट के बारे में अंदाजा नहीं है। ओके, आगे पढ़ते हैं फर्दर क्या कहा गया है। आगे आपको क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, देर आर टू पर्सन दैट सिट्स बिटवीन द वन हु अर्न्स 21 एंड द वन हु अर्न्स 81। ओके, ओ सॉरी, दैट इज नॉट 21, देर आर टू पर्सन 51 जिसकी अर्निंग है और 81 जिसकी अर्निंग है, इन दोनों के बीच में दो लोग बैठने वाले हैं। 51 और 81 फिलहाल तो बहुत केसेस आ रहे हैं, तो छोड़ो अभी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर मल्टीपल केसेस जनरेट हो रहे हैं। 51/81 दो गैप, 51/81 मैंने दोनों को कंसिडर कर दिया, क्योंकि अभी आई कांट बी जजमेंटल एट दिस मोमेंट। ओके, अगला पढ़ते हैं, डी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू बी। ये जो डी है ये बी के बगल में नहीं बैठेगा। ओके, एक मिनट, अब जरा एक पॉज लेते हैं। अगर मुझे ये हिंट मिल रही है कि डी के बगल में बी नहीं है, मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे अरेंज कर सकती हूँ पहली लाइन में। देखो, एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि इसको आप सिम्बॉलिकली लिख लीजिए कि डी के बगल में बी नहीं आएगा, ठीक है। बट मुझे ये इन्फॉर्मेशन सिंप्लीफाई करने का एक सेंस आ रहा है। क्यों सेंस आ रहा है, क्योंकि इस, देखो नीचे वाली लाइन में तो सिर्फ यू के बारे में पता चल रहा है, हालांकि इसमें यू और टी दो पता चल रहा है, लेकिन ऊपर वाली जो लाइन है, रो वन जो है, उसमें दोनों की पोजीशन डेफिनेट है और सेम है, और ये जो दो इन्फॉर्मेशन है ये रो वन के कॉन्टेक्स्ट में ही आ रही है। ओके, अब देखो ए और बी कॉन्सिक्यूटिव लेटर्स है ना, सक्सेसिव लेटर्स है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी पता हो रही है कि बी को इसके बगल में नहीं आना है, चलो नहीं आएगा। अब बी या तो इस पोजीशन पे आएगा या तो इस पोजीशन पे आएगा, इन दोनों में से कोई एक पोजीशन बी की बनेगी। अब एक चीज़ सोचना, हालांकि यहाँ पे मुझे बड़ा क्लियर आंसर मिल रहा है कि एक ही पॉसिबल हो पाएगा, या तो ये हो या तो ये, दोनों नहीं हो पाएगा। क्यों, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ, शायद आपने नहीं सोच पाए होंगे आप। एक स्पेस ई, और यहाँ पे आपको मैं दो का गैप, फिर ए एंड देन वन का गैप, फिर दो का गैप, ए एंड देन वन का गैप। मैंने क्या कहा, बी के लिए दो जगह केस बन रहे, एक या तो यहाँ रख सकते हो, एक या तो यहाँ रख सकते हो। चलो जरा दोनों में रख के देखते हैं। एक जगह मैंने बी को यहाँ प्लेस किया, एक जगह मैंने बी को यहाँ प्लेस किया, ठीक है, इतनी सी चीज़ समझ में आ गई। क्योंकि ए जो है बी के बगल नहीं आएगा, ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो बी के लिए यही दोनों केस बनेगा, तो ये दोनों केस मैंने बना दिया। अब दूसरी बात सुनना, ई का पड़ोसी, देखो क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सी डी ई
एफ, तो ई का जो सक्स आपके अड़ोसी पड़ोसी के लेटर हैं वो कौन कौन से हैं, एक आपका आ रहा है डी आ रहा है और दूसरा आपका क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। तो मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि डी और एफ को यहाँ नहीं आना है, और यहाँ पे पता चल रहा है कि डी और एफ को यहाँ नहीं आना। ई के बगल में, ध्यान से सुनना मेरी बात, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, देखो ई के बगल में डी और एफ दोनों नहीं आ सकता, ई के बगल में डी और एफ दोनों नहीं आ सकता, क्यों? देखो ए बी सी डी ई एफ है ना, और ये आपका लेटर कौन सा है, ई। ई के दोनों पड़ोसी कौन से हो रहे हैं, एक डी हो रहा है एक एफ हो रहा है, तो डी को भी नहीं रख सकते, एफ को भी नहीं रख सकते, डी को भी नहीं रख सकते, एफ को भी नहीं रख सकते, तीन ऑलरेडी हो चुका है। जब डी और एफ दोनों को नहीं रख सकते तो बचा क्या आपके पास, एक ही लेटर सी। चलो दोनों पोजिशन पे एक ही लेटर बच रहा है सी, सी को कंसिडर कर लिया, ठीक है सी को कंसिडर कर लिया। अब आपके पास कौन से दो लेटर बच रहे हैं, देखो ए बी सी, अब आपके पास सिर्फ दो लेटर बच रहे हैं डी और एफ, कौन से दो लेटर बच रहे हैं, डी और एफ। अब एक चीज बताओ, आपको क्या कहा गया था कि ये लाइन क्या कह रही है कि डी और बी को पड़ोसी नहीं होना है, डी और बी को पड़ोसी नहीं होना है। तो जब डी और बी पड़ोसी नहीं हो पा रहे हैं तो यहाँ पे तो क्लियर आंसर आ गया कि यहाँ पे आ जाना है एफ को और यहाँ पे आ जाना है डी को, ठीक है। अब इसमें भी वही सेम चीज क्या है कि डी और एफ ये दो के दोनों पर्सन, ये जो डी है और ये जो एफ है, ये दो के दोनों पड़ोसी बी के नहीं होंगे, ठीक है। तो एक बार बताओ, क्या हम डी को यहाँ रख सकते हैं, नहीं रख सकते। हम डी को क्या यहाँ प्लेस कर सकते हैं, नहीं प्लेस कर पाएंगे। तो हम यहाँ प्लेस करेंगे किसे, एफ को, और यहाँ पे किसको प्लेस कर देंगे, फिर डी को प्लेस कर देंगे। लेकिन एक्सीडेंटली यहाँ पे देखो कंडीशन ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे हमारी दो की दोनों कंडीशन जस्टिफाई हो रही है। आप सी ई बी एफ ए डी भी अरेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ बी ई सी इसको भी अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ए को पड़ोसी नहीं होना है, बी का नहीं हो रहा है, बी को पड़ोसी नहीं होना, ना ही ए का ना ही सी का, नहीं हो रहा है। सी ना तो पड़ोसी बी का है ना डी का है, नहीं हो रहा है। डी ना तो सी का पड़ोसी है ना तो ई का है, नहीं हो रहा है। और आपका ये जो डी है ये सी और ई का पड़ोसी नहीं है, ये आपका ई है ये डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, नहीं है। ओके सो यहाँ पे एक इतनी सी कंडीशंस निकल के आई आपके पास, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया हमने, ये एक्सपेरिमेंट ये सोच के किया था कि शायद इस हिंट के चलते मुझे इनके पोजीशन सब क्लियरली पता चलेगी, बट एक्सीडेंटली हुआ नहीं। हुआ क्या नहीं, मेरे पास ये सारी कंडीशन जस्टिफाई कर रहा है और ये दो का दोनों अरेंजमेंट जस्टिफाई कर रहा है। मतलब हमने इस हिंट को लेके जो एक सिंप्लीफाई करने का अप्रोच लिया था, इनिशिएट किया था, ये एक गलत डिसीजन प्रूव हो गया। हमें इस मोमेंट पे, देखो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बताना चाहती हूँ कि सही क्या है, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि गलत तरीका क्या हो जाता है। जैसे कि मैंने जस्ट अभी ये जो किया, मैंने अभी ये जो डी और बी को लेकर, क्योंकि हम जल्दबाजी में होते हैं और जब भी हमें कोई क्लू मिलता है तो हम सोचते हैं चलो क्यों दो पॉसिबिलिटी कंसिडर करेंगे, शायद चीज़ें क्लियर आउट हो रही हैं तो हम उसको लेकर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी होती है और काम जल्दी ख़त्म भी करना चाहते हैं क्योंकि टाइम का क्राइसिस होता है। बट एक्सीडेंटली शायद ये हर बार वर्क नहीं कर पाता है बेटर वे में। यहाँ पे हम इस हिंट को अभी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन शायद आपने नोटिस किया था कि यहाँ पे एकदम लास्ट लाइन नोटिस करिए, यहाँ पे आपको एकदम लास्ट लाइन क्यों, क्योंकि ये लास्ट लाइन जब ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा छोड़ जाती है हमारे ऊपर, एक तो पहली लाइन और ये आखिरी, ये दो लाइन कहीं नहीं खोती हैं, खोती जो चीज़ें हैं वो होती हैं मिड की, ये मिड की चीज़ें गायब हो जाती हैं, बल्कि फर्स्ट और लास्ट ये कहीं नहीं गायब होती हैं, ठीक है। इन्हें आपको इस खोजने के लिए स्ट्रगल नहीं करना होगा। लास्ट लाइन आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही है, क्या कह रही है, एफ एंड सी आर नॉट इमीडिएट नेबर, ये जो एफ और सी हैं ये दोनों पड़ोसी नहीं होंगे। अब जरा देखो, क्या अब इन दोनों में से एक आंसर क्लियर हो गया, यस अब क्लियर हो गया है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग एफ और सी दोनों इमीडिएट नेबर बन रहे हैं, बट इसके अकॉर्डिंग सारी कंडीशन जस्टिफाई हो रही है, विच मींस कि इनका जो ऊपर वाली रो है उसका अरेंजमेंट डेफिनेटली यही आना है। क्या हो रहा है, जो सी ई बी एफ ए डी, और ये रो वन वाली इंफॉर्मेशन दोनों में कॉमन है, तो सी ई बी एफ
ए डी हमने दोनों में अरेंज कर दिया। आई होप आपको इतनी सी चीज़ें समझ में आई हैं, तो मैं इसे अब यहाँ पे रब कर दे रही हूँ। ओके चलिए अब बारी है कुछ और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की। लेकिन एज आई से कुछ और इन्फॉर्मेशन पे आने से पहले, क्या हम ये बी से जुड़ी कहानी नहीं सॉल्व कर सकते हैं? बी का जो पड़ोसी है वो एस के सामने है, बी का जो पड़ोसी है एस के सामने है। एक बात और बताओ, इसी नोट पे एक चीज़ और पता चल रही है, बी का जो पड़ोसी है वो एस के सामने है। बी का पड़ोसी, अगर मैंने किसी भी कीमत पे एस को यहाँ कंसिडर किया, क्योंकि बी के दो पड़ोसी हो रहे हैं, एक ई हो रहा है और एक एफ हो रहा है, तो एज पर रिजल्ट एस को यहाँ भी लिख सकते हैं और 89 के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने एस को यहाँ लिखा, आपको याद है ये मैंने मार्क लगा के लिख रखा है, टी के लिए दो पॉसिबल प्लेसेस बन रही हैं, तो टी के लिए जब दो पॉसिबल केस बन रहा है, अगर एस को यहाँ रख रहे हो तो टी को यहाँ फिर भी नहीं रख पाओगे, अगर एस को यहाँ रख रहे हो तो टी को यहाँ फिर भी नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल पी क्यू आर एस टी, एस टी का मतलब एस के अगल बगल में टी नहीं आना चाहिए, या फिर दूसरी भाषा में कह लीजिए तो टी के अड़ोसी पड़ोसी एस को नहीं होना चाहिए। तो एस को हम किसी भी कीमत पे यहाँ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ रखा तो टी के लिए दोनों कंडीशन कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल। और बी का पड़ोसी एस के सामने, ये हो नहीं सकता, तो अल्टीमेटली यही हुआ, बी का वो पड़ोसी जो एस के सामने है। ओके अब एक चीज़ और, अगर एस ये हो गया तो क्या ये टी होगा, जिस टी के लिए मैंने जो इनिशियली दो पॉसिबल जगह सोची थी, अगर एस ये हुआ तो क्या ये टी हो पाएगा? नहीं। तो अब हम टी की पोजीशन को लेकर भी क्लियर हो गए कि टी को यहाँ आना है। ओके इस लाइन में जरा आते हैं, सेम चीज़ जरा यहाँ चेक करते हैं, बी का जो पड़ोसी है वो एस के सामने है। ओके अब आप देख लो, ये पॉसिबल केस आपका ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हुआ? देखो, बी का जो पड़ोसी है वो एस के सामने है, एस और टी अगल बगल हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। बी का जो पड़ोसी है एस के सामने है, अरे यहाँ तो जगह ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, विच मीन्स कि इस पॉसिबल केस की ज़रूरत नहीं है। अब हमें चीज़ों को दो डायग्राम में नहीं कंसिडर करना होगा, अब हम एक ही डायग्राम में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके आते हैं अगली हिंट, क्योंकि अभी हमने सारी हिंट को सिंप्लीफाई नहीं किया था, हमने लास्ट में यही कलेक्ट किया था, और डी जो है बी का पड़ोसी नहीं, जिसमें हमने पॉज लेके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, जिसे हम नहीं कर पाए, बट एक्सीडेंटली हमें काम की जानकारी एकदम लास्ट लाइन में मिली, और फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन कहीं नहीं गायब होती है। अच्छा अगली इंफॉर्मेशन, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ ए अर्न्स 85, ए का कोई एक तत्काल पड़ोसी 85 इनकम वाला है। अब यह भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मुझे क्या पता। सो ए 85 का नेबर है, ऐसे ही लिख देते हैं, सिंपल रहेगा अभी, ठीक है। आगे आते हैं, इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन, देर आर टू पर्सन दैट सिट्स बिटवीन द वन हु अर्न्स 85 एंड द वन हु अर्न्स 79। अब इसके बारे में भी नहीं पता है, 85 और 79 के बीच में दो लोगों को अरेंज करना है। अगर मैंने 85 यहाँ कंसिडर किया तो 79 यहाँ, अगर 85 यहाँ, दोनों से पॉसिबल हो रहा है, इसलिए मैं अभी इन दोनों इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके कोई जानकारी नहीं निकाल सकती हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगली इन्फॉर्मेशन, द इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु अर्न्स 79 फेसेस द वन हु अर्न्स 83। 79 वाले का जो पड़ोसी है वो 83 के सामने बैठा है। ओके 79 वाले का जो पड़ोसी है वो 83 के सामने बैठा है, लेकिन मैंने यहाँ पे दो पैरेलल लाइन बना दी। आपको रीज़न पता है मैंने दो पैरेलल लाइन क्यों बनाई? सुनना बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैंने दो पैरेलल लाइन ये सोच के बनाया कि मुझे 79 और 83 के बारे में पता ही नहीं, कौन सा ऊपर वाली रो में आना है, कौन सा नीचे वाली रो में आना है, नहीं पता है ना? नहीं, ये गलत थॉट हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है 79 ऊपर वाली रो में आएगा। क्यों? क्योंकि ए और 85 अगल बगल होंगे, मतलब 85 को ऊपर वाली रो में आना है, 85 से जुड़ा 79 है, क्योंकि 85 और 79 के बीच में दो का गैप है, इट मीन्स 79 को भी ऊपर वाली रो में आना है। तो जब 79 को भी ऊपर वाली रो में आना है, विच मीन्स 83 को कहीं ना कहीं नीचे रो में ही आना है। यहाँ पे दो पैरेलल लाइन इस जानकारी के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है कि आमने सामने में कोई भी, आमने सामने किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, नहीं, हम डेफिनेट है कि 79 ऊपर ही आएगा और 83 नीचे ही आएगा। ओके अगली जानकारी पढ़ते हैं, द वन हु अर्न्स 75 सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु अर्न्स 70। 70 के थर्ड राइट पे 75 है। अब एक बात बताओ, क्या आपको 70 या 75 इन दोनों में से किसी भी फिगर के बारे में पता है कि कौन सा नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है, कौन सा साउथ डायरेक्शन में आ रहा है? दोनों का नहीं पता। एंड एक्सीडेंटली यहाँ पे इन्होंने, अब देखो हाउ स्मार्टली दे प्ले विद द हिंट्स,
यहाँ पे इसके बारे में पता ही नहीं है कि 70 किधर फेसिंग है और 75 किधर फेसिंग है. सो हाउ स्मार्ट इज दैट हिंट कि इन्होंने इसके रेस्पेक्ट में आपको लेफ्ट और राइट भी बता दिया है ना. बाकियों में लेफ्ट और राइट नहीं बताया. देखो जैसे इसका लेफ्ट और राइट नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ये क्लियर पता चल रहा है कि ये रो वन में आ रहा है, लेकिन ये जो 70 और 75 है ये पता नहीं चल रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में राइट और लेफ्ट बताया गया है. चलो बट एनी वेज वी हैव टू डील विद दैट. ओके द वन हु अर्न 75 सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु अर्न 70. 70 के थर्ड राइट पे 75 है, 70 के फर्स्ट सेकेंड थर्ड 75 है. मैंने डायग्राम तो ये बनाया है बट माई इनर कॉन्शियस सेज आई एम नॉट कॉन्फिडेंट. वट इनर कॉन्शियस, इट इज़ अ कॉमन सेंस. ओके इट्स नॉट अबाउट इनर कॉन्शियस, ये कॉमन सेंस की बात है कि मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे 70 किधर हो रहा है और 75 किधर हो रहा है. तो ये मार्क लगाने का मतलब ये है कि 70 के थर्ड राइट में 75 है, बस इतना ही पता है. रो वन में है या रो टू में है ये नहीं पता. ओके विच मीन्स अगर ये इस रो में चले गए तो ये 75 ट्विस्ट होके इधर आ जाएगा. ओके लेट्स टारगेट द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. अगली इन्फॉर्मेशन, ए डज नॉट अर्न 75. ओके कह रहा है कि ए के साथ 75 वाली फिगर नहीं होगी. इससे कुछ खास तो नहीं पता चल रहा है हमें फिलहाल, बस यही लिख देते हैं कि ए के साथ 75 वाली, सॉरी ये इमीडिएट नेबर का साइन लग गया, बट यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ए के साथ 75 वाली फिगर स्टैंड नहीं कर सकती है. ओके ओके लेट्स मूव ऑन. एक्सीडेंटली अभी तक हमें काम का कुछ मिल नहीं पा रहा है जिसके हम को रिलेट कर पाएँ, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट पार्ट. द वन हु अर्न्स 53 सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु अर्न्स 79. 79 के इमीडिएट राइट में 53 है. ओके 79 के इमीडिएट राइट में 53 है और 79 के बारे में हमें पता चल गया था कि 79 रो वन में है. तो 79 के इमीडिएट राइट में 53 मतलब मैं इनके डायरेक्शन को लेके ऑब्वियस हूँ. 79 के इमीडिएट राइट को लेके 53 मैं यहाँ पे ये स्टार का साइन नहीं लगाऊंगी. क्यों नहीं लगाऊंगी? क्योंकि मैं इस राइट वाली इन्फॉर्मेशन के बारे में कॉन्फिडेंट हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे पता है 79 रो वन में आ रहा है. फाइन अगली इन्फॉर्मेशन देखते हैं. द इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु अर्न्स 53 डज नॉट अर्न्स 49. अच्छा 53 का पड़ोसी 49 को नहीं बनना है. 53 का पड़ोसी 49 को नहीं बनना है. फाइन अगली इन्फॉर्मेशन, ए डज नॉट अर्न 49. पहले तो मैं ये पता था ए की फिगर 75 नहीं होगी. इसके साथ एक और बात और चल पता चल गई कि ए के साथ 49 का भी एसोसिएशन नहीं हो सकता है. ए डज नॉट अर्न 49. द वन हु अर्न्स 49 फेसेस द वन हु अर्न्स 35. अच्छा ये कहना चाह रहे हैं कि 49 और 35 वाले आमने सामने आएंगे. 49 और 35 वाले आमने सामने आएंगे. पता नहीं कौन सा अपवर्ड होना है कौन सा डाउनवर्ड होना है, फिलहाल तो पता ही नहीं है कुछ भी इसके बारे में. तो दो पैरेलल लाइन बना दिया. एंड अगली हिंट, देर इज अ गैप ऑफ वन पर्सन बिटवीन. देर इज अ गैप ऑफ वन पर्सन बिटवीन द वन हु अर्न्स 83 एंड 89. जिसकी इनकम 83 और जिसकी इनकम 89 है इनके बीच में एक पर्सन का गैप है. शायद हम यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं. क्या कह रहा है? जिसकी इनकम 83 है और जिसकी इनकम 89 है इनके बीच में एक पर्सन का गैप क्रिएट हो रहा है. तो एक बात बताइए, 83 और 89 के बीच में एक पर्सन का गैप है. ओके अगर मैंने 83 को यहाँ सपोज किया, लेट्स सपोज अगर मैंने 83 को यहाँ पे सपोज किया, तो 83 से जुड़ी एक बात और है. 83 के जो सामने है वो 79 का पड़ोसी है. तो ए के साथ फिगर कौन सी हो जाएगी? 79. ठीक है, ए के साथ अगर हमने 79 रख दिया, ठीक है, 79 के इमीडिएट राइट में 53 है. 79 के इमीडिएट राइट में 53 है. फिलहाल हम इस पर अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे. इस इन्फॉर्मेशन को लेकर हम अभी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो इसे इनिशिएट नहीं करते हैं. इसे अभी फिलहाल साइड लाइन में पड़ा रहने देते हैं. तो हम टारगेट किसे कर सकते हैं? यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ों को अरेंज कर लिया है. अगर हम टारगेट करना चाहें, ई का पड़ोसी टी के सामने है, ठीक है, इसी के साथ ही साथ ई का पड़ोसी टी के सामने है और फिर 89 और यू. अच्छा इससे पहले कि मैं किसी इन्फॉर्मेशन पे इनिशिएट करूँ, मैं चाहूँगी कि आप एक बार सारा सोल्यूशन यहाँ तक थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है. क्यों? और देखो यहाँ पे देखो, डेफिनेट ये जितनी चीज़ें अरेंज हुई है ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है और ये सारी के सारी, सॉरी डेफिनेट कहो या डायरेक्ट कहो दोनों एक ही बातें हैं, और ये सारी के सारी इनडायरेक्ट है. इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रही है ना, कम ही इन्फॉर्मेशन है इनडायरेक्ट. अब जब इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कम है, विच मीन्स कि अपने आप में कई केस जनरेट कराएगा. चलो देखते हैं.
Okay, so we can deal with some other information, and that information could be with this A and 85 itself. This is the information. ये एक जानकारी है जो A और 85 से deal कर रही है. But खाली यही एक जानकारी है? नहीं. फिर हमें 85 मिला. 85 से हम यहाँ connect कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. 85 और 79 की जानकारी मिल रही है. 79 मिला. 79 से जुड़ी फिर ये दोनों जानकारी है. एक 79 और 53, एक 79 का पड़ोसी 83 के सामने है. हाँ, फिर हमें 83 मिल जाएगा. चलो फिलहाल हम अभी अगला कनेक्टिविटी नहीं खोज रहे हैं, क्योंकि 83 फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा है. तो अभी हम इतनी सी चीज़ों को जरा कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं. देखो, ए का पड़ोसी 85 है. ए का पड़ोसी 85 है. अब 85 तो ये भी हो सकता है, 85 तो ये भी हो सकता है. ओके, लेट्स सी. अगर मैंने 85 को यहाँ रखा, तो 85 और 79 के बीच में दो का गैप है. अल्टीमेटली आप इधर तो जा नहीं सकते हो, आपको जाना इधर ही पड़ेगा. तो ये हो गया 79. लेकिन देखो ये क्या कह रहा है, 79 के इमीडिएट राइट में 53 है. ये 79 है, ये ऐसे देख रहे हैं, इमीडिएट राइट 53, जगह ही नहीं बची है. तो यहाँ पे आप 79 नहीं रख सकते. तो जब यहाँ 79 नहीं रख सकते, तो यहाँ 85 नहीं रख सकते. तो अल्टीमेटली इसी को होना होगा 85. अब फिर यही बात, 85 और 79 के बीच में दो का गैप है, मेंटेन हो गया. 79 के इमीडिएट राइट में 53 है, ठीक है. 79 के इमीडिएट राइट में 53 आ रहा है. तो ये है आपका 79. 79 के इमीडिएट राइट में 53, ये आ गया 53, ठीक है. क्योंकि 79 और 53 को रो वन में ही आना है, और रो वन में आएंगे तो अरेंजमेंट ये 53 इधर में फिलहाल आपको गलत लिख गया है, ये साउथ के हिसाब से है. 53 ऐसे रहेगा, 79 के इमीडिएट राइट में 53 है. हिंट क्या थी? हिंट आपके पास दी गई थी 53 इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ 79. लेकिन 79 का डायरेक्शन पता चल रहा है कि 79 आपका साउथ फेसिंग हो रहा है, ठीक है. ओके, अगर मैंने यहाँ पे इस इतनी जानकारी को अरेंज कर दिया, इसी 79 से जुड़ी एक और बात है. क्या है कि 79 का जो पड़ोसी है वो 83 के सामने है. 79 का जो पड़ोसी है वो 83 के सामने है. ओके, और आपसे क्या एक बात और कही गई थी, देयर इज अ गैप ऑफ 1% बिटवीन 83 एंड 89. 83 और 89 के बीच में 1% का गैप है, ये भी हमें बताया गया था, है ना. एक बात बताओ, क्या मैं जो 79 का पड़ोसी 83 के सामने है, 79 का पड़ोसी 83 यहाँ तो रख नहीं सकते, तो हम अल्टीमेटली यहीं रखेंगे. और यस, इसके हिसाब से आपका 83 यहाँ आ गया, ठीक है. और वो हिंट आपसे क्या कह रही थी, सॉरी यहाँ पे नहीं, आपका क्या था, 79 का जो इमीडिएट नेबर है, 79 नहीं, इमीडिएट नेबर. सो ये हुआ 83. और वो जो एक हिंट थी कि 83 और 89 के बीच में 1% का गैप है, वो भी मेंटेन्ड है. इससे पहले कि मैं किसी और इन्फॉर्मेशन को प्रोसीड करूँ, एक चीज़ और पता चल रही है. देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पी क्यू आर एस, आर एस मतलब आर को एस के बगल में नहीं आना है. ओके, तो आर के लिए यही एक जगह बच रही है, यही जगह बची. अच्छा, ओके, इसमें लाइन में आपके पास मेंबर कौन कौन से मिसिंग है? एक तो पी मिसिंग है, दूसरा क्यू मिसिंग है, ठीक है. फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेक करो तो क्या होगा, पी क्यू आर एस टी यू, ऐसे ही हो रहा है ना आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर. और आपके पास मिसिंग कौन से हैं, दो मेंबर, पी और क्यू. अब ये बताओ, क्या क्यू और आर अगल बगल बैठ सकते हैं? नहीं, क्योंकि सक्सेसिव लेटर्स अगल बगल नहीं बैठेंगे. तो आप यहाँ पे क्यू की प्लेसमेंट नहीं कर सकते हो, तो क्यू के लिए जगह ही ये बच रही है. मिसिंग मेंबर कौन है, पी. ओके, हमने यहाँ पे मेंबर्स की प्लेसिंग कर दी है. मिसिंग कोई चीज़ है तो वो बस वेजेस के रेस्पेक्ट में है. चलो, इनकी वेजेस वाली इन्फॉर्मेशन को जरा क्लियर करते हैं. हमने इतनी सी चीज़ों को अरेंज कर दिया है. ओके, ओके, विद दैट इन्फॉर्मेशन आपने अगर आर को अरेंज कर दिया, तो आर से जुड़ी देखो एक स्टोरी है. क्या स्टोरी है, आर का जो पड़ोसी है, आर का जो पड़ोसी है वो 51 के सामने है. आर का पड़ोसी 51, जगह ही नहीं है. आर का पड़ोसी 51, तो यही हुआ 51. अच्छा, इसको अरेंज करने के बाद आई रिमेंबर कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन थी जो आमने सामने की जानकारी बता रही थी, और वो ये थी कि 49 और 35 आमने सामने बैठेंगे, ठीक है. आमने सामने बैठाने के लिए मतलब मुझे एक पूरी वैकेंट लाइन चाहिए कि दोनों पर्सन का वेजेस ना पता हो. ये नहीं है, इसमें दोनों का डिसाइडेड है, इसमें एक का, इसमें एक का, यही एक लाइन बन रही है ए और क्यू वाली. ए और क्यू में से ही कोई एक आपका क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, कोई एक 35. लेकिन यहाँ देखो, ए के साथ 49 का एसोसिएशन नहीं होना है, तो ए के साथ जो फिगर स्टैंड करेगी वो होगी 35, और यहाँ पे आ गया 49. ओके, डन विद दैट. हमने इस इन्फॉर्मेशन को भी अरेंज कर दिया. इस इन्फॉर्मेशन को अरेंज करने के साथ साथ आप और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
83 का पड़ोसी 79, ये हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं. देखो ओके, 51 से जुड़ी एक कहानी है. 51 और 81 के बीच में 2% का गैप है, मतलब 81 को इसी लाइन में आना है. हमने 81 को भी अरेंज कर दिया. हमारे पास सिर्फ टी, पी और यू की फिगर मिसिंग हो रही है. ओके, इसमें क्या कहा है, 53 को 49 का पड़ोसी नहीं होना है, नहीं हो रहा है. फाइनली किसी को एक खास काम की जानकारी नहीं है. ओके, इस इंफॉर्मेशन पे आते हैं. ये इन्फॉर्मेशन क्या कह रही थी कि 70 के थर्ड राइट पे 75 है. और यहाँ पे जो मैंने मार्क लगाया था, इस मार्क का मतलब क्या था कि मुझे पता ही नहीं है कि ये 70 और 75 रो वन में आ रहे हैं या रो टू में आ रहे हैं. लेकिन फिलहाल पता चल गया कि रो वन में सबका फिगर क्लियर हो गया है, मतलब ये जो 70 और 75 है इनको रो टू में ही आना है. तो रो टू और थर्ड राइट, चलो देखते हैं. अगर मैंने 70 को यहाँ रखा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जगह ही नहीं है, रख ही नहीं सकते. 70 को यहाँ रखा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यही एक ऑप्शन ही बच रहा है. अगर आप इधर रखेंगे तो आप बियॉन्ड डायमीटर के बाहर चले जा रहे हैं, इनके रेडियस के बाहर हो रहे हैं. सो ये आ गया 70, ये आ गया 75. ओके, हमारे पास सिर्फ एक ही फिगर ही मिसिंग है. अब एक ही फिगर ही बच रही है, और वो फिगर कौन सी है आपकी, 21. सो हमने 21 को यहाँ अरेंज कर दिया, और ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट सिंप्लीफाई हो चुका है. एक बार पूरा सोल्यूशन आप खुद देख लीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका भी आंसर सेम यही आ रहा है. ओके, एंड आई होप दैट यू enjoyed सिंप्लीफाइंग दिस सिटिंग अरेंजमेंट. एंड दिस was टोटली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन सम सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस. ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने प्रीवियस वीडियोस पे कमेंट भी किया था कि मैम ये तो सिंप्लीफाई हो गया है, हमसे आसानी से हो जा रहा है. कुछ लोगों से आसानी से हो जा रहा था, सम ऑफ देम फेस लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्टी. बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम थोड़ा सा लेवल और रेस करिए. सो दिस इज सम हाउ द रेस्ड लेवल. मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत कलेश है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट्स अ मॉडरेट टाइप ऑफ अ पजल, बट ट्रस्ट मी, सिटिंग अरेंजमेंट, बट ट्रस्ट मी, ऐसा सवाल आपको प्री में नहीं मिलेगा. ट्रस्ट मी, ऐसा सवाल आपको प्री में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सवाल में समय ज़्यादा खर्च होगा. एंड अगर मिला, अगर इफ यू हैड अ बैड डे, अगर आपको ये सवाल प्री में मिला, देन गाइज यू नीड टू बी अ जजमेंटल वन. आपको क्विक डिसीजन लेना होगा. यू कांट इन्वेस्ट 10 मिनट्स और 7 मिनट्स और 8 मिनट्स टू अचीव 5 मार्क्स, दैट ऑल्सो इन प्री एग्जाम. हाँ, अगर ये मेन्स का होगा तो मैं डेफिनेटली कहूँगी हाँ आप लोग 8 मिनट इन्वेस्ट करके 5 नंबर निकाल लो, 7 मिनट इन्वेस्ट करके 5 नंबर निकाल लो, 6 मिनट इन्वेस्ट करके 5 निकाल लो, 8 मिनट इन्वेस्ट करके 5 नंबर निकाल लो. लेकिन अगर आप प्री की बात करोगे, आई विल नेवर एवर सजेस्ट यू कि आप 5 या आप 6 या 7 या 8 या 9 मिनट इन्वेस्ट करके 5 नंबर निकालिए. नहीं, बिल्कुल ही गलत डिसीजन होगा. वैसे आना नहीं चाहिए इन एनी केस, बट जस्ट इन केस. ओके, एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू टारगेट एनी सॉर्ट ऑफ काउंटर क्वेश्चंस. यू गाइस आर वेल स्मार्ट टू डील विद दैट. अरेंजमेंट बनाने के बाद काउंटर क्वेश्चंस आप खुद ही आसानी से डील कर लेंगे. एंड आई होप दैट यू एंजॉयड दिस सिटिंग अरेंजमेंट. सो दैट वॉज ऑल इन दिस. थैंक्स अ लॉट. प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम अदा 247. बेल आइकन दबाइए अदा 247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए. अदा 247, गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट.